आज हम आपको Adobe Photoshop 7.0 में हिंदी टाइप करना सिखाएंगे कि कैसे यूज करते हैं हिंदी को और कुर्ती देव फॉन्ट को भी कैसे चलाते हैं। मेरा नाम है शिवम, शिवम वेदली गुरु चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने Adobe Photoshop में 7.0 में कुर्ती देव फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना होता है। डाउनलोड आप कहाँ से करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले इस साइट पर आ जाना है। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। hindi.front.com पर आ जाना है। उसके बाद हमें आपको कुछ इस तरीके की साइट दिखेगी। साइट पर आ जाने के बाद आपको नीचे चले जाना है और नीचे चले जाना है और नीचे चले जाना है और नीचे चले जाना है। आपके सामने एक रिश्ता दिल से होना चाहिए शब्द का कुछ इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद आपको एक कुर्ती फ्रंट डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद नया इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद ऐसे ऐड को यहाँ से क्लोज कर देना है। उसके बाद थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और उसके बाद आपको नीचे चले जाना है और नीचे चले आना है और नीचे चले आना है। उसके बाद आप यहाँ से फ्रंट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम इसको फ्रंट को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद अपने सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पर दिख भी रहा है थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग कुर्ती देव फॉन्ट। आपके सिस्टम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका कुर्ती देव फॉन्ट आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम इसे ओपन कर लेना है। हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे, एक बार और ओपन करेंगे। उसके बाद हमारे सामने टू ऑप्शन आएंगे। एक हमारे सामने रेडमी का ऑप्शन आएगा और एक हमारे सामने आएगा कुर्ती देव 10 फ्रंट रेगुलर। तो हमें इस पर क्लिक करना है और हमारे सामने कुछ नया इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है। तो हम यहाँ से इसे इंस्टॉल करेंगे। यह हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है तो हमारा सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद यहाँ से इसे क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारे Adobe Photoshop में इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हमें यहाँ पर फिर अपने गूगल पर चले आना है और यहाँ पर टाइप करना है गूगल इनपुट। तो हिंदी लिखने के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे गूगल इनपुट। उसके बाद आपके सामने कुछ चित्र का इंटरफेस आ जाएगा। गूगल इनपुट उपकरण खुल कर आ जाएगा। यहाँ से आप जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप अपना टाइप करना चाहते हैं Adobe Photoshop में, आप यहाँ से टाइप करके लिख सकते हैं। तो जैसे कि मुझे लिखना है मेरा नाम शिवम है, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है और ऐसे टाइप कर लेना है। जैसे कि मेरा नाम शिवम है, मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है। इसके बाद इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, ऐसे ऐसे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल से करेंगे। और उसके बाद आपको न्यू वेबसाइट पर चले जाना है। मैं आपका उसको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको इंडिया टाइपिंग की वेबसाइट पर आ जाना है। इंडिया टाइपिंग की वेबसाइट पर आने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ चित्र का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको यूनिक कुर्ती देव फॉन्ट को कन्वर्ट हिंदी गूगल मंगल फॉन्ट को कुर्ती देव फॉन्ट में कन्वर्ट करना होता है, जो कि आप यहां से कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके बाद हम यहां पर एक फॉन्ट कन्वर्ट का ऑप्शन दिखेगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा दूंगा। एक बार आपको जूम करके दिखा दिया आपको, आप यहां से। उसके बाद हमारे सामने एक यूनिक कन्वर्ट कुर्ती देव कन्वर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। उसके बाद हम अपने मंगल फॉन्ट को जो भी आपने हिंदी में टाइप किया, जो भी आप कॉपी किया था आपने गूगल पर, जो भी यूनिक कोड आपने कॉपी किया था, उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ऐसे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने एक नीचे ऑप्शन दिखेगा कन्वर्ट टू कुर्ती देव फॉन्ट। हम इस पर क्लिक करेंगे। हमारा जो कुर्ती देव में है, जो मैंने मंगल फॉन्ट में लिखा था, वो कुर्ती देव में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से इसे कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसे कॉपी कर लिया है। उसके बाद हम इसे चलाने के लिए अपने Adobe Photoshop में चले जाएंगे। उसके बाद आपको अपने Adobe Photoshop में ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको हिंदी चलाने के लिए यहाँ पर हमें एक न्यू शीट लेनी होगी, जिस पर हम अपने चला के टैग कर सकते हैं, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम न्यू शीट लेंगे। उसके बाद इसे रोटेट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसे रोटेट कर लेंगे और ये रोटेट हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर अपने टेक्स्ट टूल को प्रेस करना है और यहाँ से हम जो भी कुछ लिखना चाहते हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी कुर्ती देव को चलाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर टाइप करेंगे कुर्ती देव फॉन्ट। उसके बाद हमारे सामने कुर्ती देव फॉन्ट आ जाएगी। अगर आपको ऐसे नहीं मिल रही है तो आप यहाँ से ऐसे बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं। जो भी आपको नहीं मिल पा रही है तो आप यहाँ से अच्छे से इसे ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कि मुझे मिल गई है, उसके बाद आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद जितनी पिक्स में आपको अक्सर रखना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैं इसे 100 में रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 100 डाल दूँगा। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको किस तरह रखना चाहते हैं, स्लेप में रखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग में रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं स्मूथ में रखना चाहता हूँ तो स्मूथ में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो भी कलर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ कलर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं रेड कलर में रखना चाहता हूँ तो रेड कलर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट कर रहा हूँ।
मैं यहाँ पर टाइप करूँगा जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा आ जाएगा। आप यहाँ पर कुर्ती देव फ्रंट अपने सिस्टम में चला सकते हैं या आप अपनी हिंदी चला सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ भी लिखना है उसको आप इसी तरह जाएंगे पहले इनपुट, इसी तरह आपको सबसे पहले अपने गूगल इनपुट पर जाना है और ऐसे कॉपी ऐसे टाइप करना है, उसके बाद कॉपी कर लेना है, उसके बाद आपको इंडिया टाइपिंग वेबसाइट पर आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर कॉपी करने के लिए उसके बाद कन्वर्ट मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो भी अपने गूगल इनपुट पर टाइप किया तो उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर इसे कन्वर्ट द कुर्ती देव में क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे और अपने एडोब फोटोशॉप में चले जाएंगे और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कुछ तरीके से पेस्ट हो जाएगा। तो आप आशा करता हूँ आप ऐसे चला सकते हैं अपने एडोब फोटोशॉप में हिंदी को।